दूसरे पे आ जाएं, विच आर कॉल्ड ग्रेडेबल एंड नॉन ग्रेडेबल एडजेक्टिव। भी एडजेक्टिव्स क्या होते हैं? जो क्वालिटी बताते हैं। कुछ एडजेक्टिव्स ऐसे हैं जिनकी डिग्रीज बनती हैं और कुछ की डिग्रीज नहीं बनती। तो जब हम कहते हैं ग्रेडेबल, तो ग्रेडेबल का मतलब क्या होगा? विच फॉर्म द डिग्रीज एंड व्हाट डू वी मीन बाय नॉन ग्रेडेबल। नॉन ग्रेडेबल किसे कहेंगे? विच हैव नो डिग्रीज। अब डिग्रीज तो ग्रेडेबल तो बहुत ज्यादा हैं, तो नॉन ग्रेडेबल को जरा लिख लेते हैं, उनकी लिस्ट बना लेते हैं कि कौन कौन से वाले एडजेक्टिव जो हैं वो नॉन ग्रेडेबल एडजेक्टिव होंगे। मतलब हमने इन वर्ड्स की डिग्रीज नहीं बनानी। कौन कौन से हैं? सबसे पहले कलर एडजेक्टिव्स कभी भी डिग्री नहीं बनाएंगे। नंबर टू, रीजन्स, ठीक है। रीजन्स कौन से? ज्योग्राफिकल रीजन्स। उसके बाद रिलीजन के एडजेक्टिव, ये भी कभी अपनी डिग्री नहीं बनाते। उसके बाद ज्योमेट्रिकल शेप्स, ये भी कभी डिग्री नहीं बनाएगी। नेक्स्ट वन, नेशनैलिटीज, इनकी भी डिग्रीज नहीं बनती। नंबर सिक्स, कुछ वर्ड्स होते हैं हमारे पास, जैसे यूनिवर्सल है, परफेक्ट है, कंप्लीट है, यूनिक है, फेवरेट है, एटसेट्रा, इनकी भी डिग्रीज नहीं बनती। कलर एडजेक्टिव्स क्या हैं? जैसे हम कहेंगे ब्लैक, रेड वगैरह वगैरह। रीजन या ज्योग्राफिया क्या है? जैसे हम कहते हैं नॉर्दर्न या सदर्न। रिलीजन क्या है? इस्लामिक, क्रिश्चियन एटसेट्रा। ज्योमेट्रिकल शेप्स किसे कहते हैं? जैसे सर्कुलर है, रेक्टेंगुलर। नेशनैलिटी क्या है? अमेरिकन, पाकिस्तानी और यूनिवर्सल, ये सारे के सारे ऐसे ही आएंगे। दीज एडजेक्टिव्स कैन नॉट बी कन्वर्टेड इनटू डिफरेंट डिग्रीज। भाई ऐसा क्यों है? क्यों इनकी डिग्रीज नहीं बनती? बिकॉज दे आर कॉल्ड क्लासिफाइंग। मतलब क्या कि ये क्वालिटी नहीं होती, बल्कि ये तो पूरी क्लास बना देते हैं, पूरे का पूरा ग्रुप कर देते हैं। जब आप कहेंगे ना ब्लैक, तो ब्लैक एक पूरी कैटेगरी उसमें फॉल कर जाएगी। जब आप कहते हैं ऑस्ट्रेलियन, तो जो जो ऑस्ट्रेलियन नेशनल्स होंगे वो इसमें आ जाएंगे। तो कहने का मकसद ये है कि इन वर्ड्स की किसी किस्म की कोई डिग्री नहीं जनरेट होती, ना ही हम जनरेट करेंगे। डन। इसके बाद हम आ जाते हैं कि ग्रेडेबल नॉन ग्रेडेबल आ गया, उसके बाद फॉर्मेशन ऑफ डिग्रीज। क्योंकि हमारे पास जो ग्रेडेबल एडजेक्टिव हैं वो क्या होते हैं? उनकी डिग्रीज बनती हैं। अगर भाई उनकी डिग्रीज बनती हैं, तो क्वेश्चन ये आता है कि हाउ टू फॉर्म डिग्रीज। तो हम कहेंगे फॉर्मेशन ऑफ डिग्रीज कैसी होंगी? ये किन वर्ड्स की होंगी? डेफिनेटली किन एडजेक्टिव की होंगी जो ग्रेडेबल होंगे? तो फॉर्मेशन ऑफ डिग्री के हवाले से द एडजेक्टिव कैन बी डिवाइडेड इनटू टू। वन इज कॉल्ड रेगुलर, अदर वन इज कॉल्ड इरेगुलर। रेगुलर क्या है? रेगुलर हम कहते हैं ऐसे एडजेक्टिव जिनकी सेकंड डिग्री मोर या ईआर से या फिर मोस्ट और ईएसटी से बनती है। और इरेगुलर किसे कहते हैं? जिसका कोई फॉर्मेट नहीं होता, मतलब नो फॉर्मेट।
राइट। अब अगर नो फॉर्मेट है तो फिर हम इसको कैसे इंटरप्रेट करेंगे, कैसे लिखेंगे, जरा एक्सप्लेन करते हैं। सबसे पहला क्वेश्चन तो ये है कि मोर और मोस्ट या ER और EST को कैसे डिफरेंशिएट करेंगे, किसके साथ ER लगता है, किसके साथ मोर लगता है, वगैरह वगैरह। तो इस कॉन्सेप्ट को अंडरस्टैंड करने के लिए फर्स्ट वी नीड टू अंडरस्टैंड अ वर्ड, अ टर्म दैट इज कॉल्ड व्हाट, दैट इज कॉल्ड सिलेबल। सिलेबल हम उसे कहते हैं। व्हाट इज सिलेबल? फॉर एग्जाम्पल हम कोई वर्ड लिखते हैं, कोई एडजेक्टिव लिखते हैं। जैसे मैंने एडजेक्टिव लिख दिया, क्या मैंने लिख दिया जनाब ब्यूटीफुल। अगर मैं इसके साउंड पैटर्न के लिहाज से इसे डिवाइड करूं तो ये कुछ यूं है, ब्यू टी और फुल। मतलब इसको मैंने तीन लेवल्स में ब्रेक किया। ये जो एक साउंड कहलाता है, इस एक साउंड को एक सिलेबल कहते हैं, राइट। तो इसमें हमने क्या कहा कि ब्यूटीफुल कितने सिलेबिक वर्ड है या ब्यूटीफुल के अंदर कितने सिलेबल हैं, तो हम कहेंगे क्या, ये हमारे पास ट्राई सिलेबिक वर्ड है। मतलब इसमें कितने सिलेबल्स हैं, इसमें तीन सेलेबल हैं। तो इसी तरीके के कुछ वर्ड्स होते हैं, जैसे हमारे पास वर्ड आ गया स्मार्ट। स्मार्ट के अंदर कितने सेलेबल हैं बताए जरा, वन। इससे हम कहेंगे मोनोसेलेबिक। और फिर इसी तरीके से वर्ड है हमारे पास जेंटल। अब अगर जेन और टल, जेन टल राइट, TL, इसमें हमारे पास क्या है, दो सिलेबिक हैं, तो हम कहेंगे ये हमारे पास क्या है, बाय सिलेबिक। ध्यान में रखिए जो ट्राई सिलेबिक है इसको हम पॉली सिलेबिक भी कह सकते हैं। अब अगर ये पॉइंट क्लियर हो गया आपको तो आपके लिए समझिए डिग्रीज बनाना आसान हुआ। क्लियर हो गया कि डिग्रीज कैसे बनती हैं, तो देख लेते हैं कि किस तरीके से। सपोज जो आपके पास मोनोसेलेबिक हैं, ठीक है, उनके साथ लगेगा हमेशा ER या फिर EST। जो आपके पास पॉलीसेलेबिक हैं उनके साथ लगेगा मोर और मोस्ट। जो आपके पास बाईसेलेबिक हैं उनके लिए दोनों ऑप्शंस करेक्ट हैं। मतलब आप उन्हें बोथ मेथड से चेंज कर सकते हो। मतलब आप उनके साथ ER और EST यूज कर सकते हैं या फिर आप उनके साथ मोर और मोस्ट यूज कर सकते हैं। तो हम कहेंगे अब हम जरा डिग्रीज बनाते हैं कि हाँ जी इसको कैसे चलाना है। फॉर एग्जाम्पल सबसे पहले मेरे पास वर्ड आ गया स्मार्ट। अगर ये मोनोसेलेबिक है तो कैसे कन्वर्ट होगा, इसकी सेकेंड डिग्री बनेगी स्मार्टर और थर्ड बनेगी स्मार्टेस्ट। अब है मेरे पास दूसरा वर्ड जिसे मैं कहता हूं जेंटल। कितने सेलेबल हैं बेटा इसके अंदर, दो सेलेबल हैं। तो इसके दो तरीके आएंगे, जेंटलर, जेंटलिस्ट या फिर मोर जेंटल और मोस्ट जेंटल। और इसी तरीके से अगर हमारे पास वर्ड आ गया क्या, द वर्ड इज इंटेलिजेंट। बेटा कितने सिलेबल हैं इसमें, ये पॉलीसिलेबिक वर्ड है तो इसको तो हम एक ही तरीके से करेंगे, मोर इंटेलिजेंट और मोस्ट इंटेलिजेंट, राइट। तो ये इनके पैटर्न हैं। अब एक आधी एग्जांपल और देखते हैं। बताओ बेटा प्रीटी के डिग्रीज कैसे बनेगी, कितने सिलेबल हैं इसके अंदर, वन। ये जो एंडिंग सिलेबल है T
टी वाला ये ड्रॉपिंग साउंड है, ये कोई नया सेलेबल स्टार्ट नहीं कर रहा। यहाँ पे आपका वर्ड फिनिश हो रहा है, तो फिनिशिंग साउंड जो है, अब देखो इसके टी को देखो जेंटल, अब ये टी जो है ये एक नया सेलेबल स्टार्ट कर रहा है, जबकि प्रिटी का जो टी है ये तो सेलेबल को क्लोज कर रहा है, तो हम कहेंगे यहाँ पे नया सेलेबल नहीं आया बल्कि पहले वाला क्लोज हो गया, तो ये मोनोसेलेबिक है, लिहाजा लिखेंगे प्रिटियर और प्रिटियस्ट। ठीक है जी, अब मुझे बताओ वर्ड है कॉस्टली, कितने सेलेबल हैं? टू हैं, ठीक है टू हैं, तो इसका मतलब है कॉस्टिलियर या फिर कॉस्टिलियस्ट, राइट, या फिर करेंगे मोर कॉस्टली और मोस्ट कॉस्टली। जो हमने नहीं पढ़ा उसकी परेशानी नहीं लेनी, उसे आपने ऐड कर लेना है अपने नॉलेज में, अपनी मेमोरी में। तो ये थे हमारे पास क्या, दे आर कॉल्ड रेगुलर। अब आ जाए जरा इरेगुलर के ऊपर, भाई इरेगुलर एडजेक्टिव्स क्या है, जिनका कोई स्पेसिफिक फॉर्मेट नहीं होता। फॉर एग्जाम्पल क्या है वो, जैसे अब आपको ये जो स्पेसिफिक है क्लियर होने चाहिए, जैसे है गुड, बेटर, बेस्ट, बैड, वर्स और वर्स्ट, मत मच, मोर और मोस्ट, फार, इसके दो बनते हैं, एक फार्दर और दूसरा फर्दर, फिर आगे फार्देस्ट और फर्दरेस्ट। ठीक है जी, इसी तरह इन, इनर, इनर मोस्ट, लिट, लिटल, लेस, लीस्ट। क्लियर होगी बात, ये हमारे पास कुछ कॉमन जो इरेगुलर एडजेक्टिव हैं, जो एटलीस्ट आपको क्लियर होने चाहिए, ये वो सारे हैं। तो अब ग्रेडेबल नॉन ग्रेडेबल हो गए और डिग्रीज ऑफ फॉर्मेशन ऑफ डिग्रीज ऑफ एडजेक्टिव भी हो गई। अब आ गया यूजेज ऑफ डिग्रीज ऑफ एडजेक्टिव। अब ये इस सेक्शन एडजेक्टिव का सबसे इंपॉर्टेंट पॉइंट और टॉपिक है, यूजेज ऑफ डिग्रीज ऑफ एडजेक्टिव, एडजेक्टिव की डिग्री का यूसेज, कि क्या इसको हम कैसे इस्तेमाल करते हैं, कहां पे इस्तेमाल करते हैं। तो सबसे पहले हम कहेंगे क्या, हम कहते हैं जी सबसे पहले हम डिस्कशन करते हैं फर्स्ट डिग्री की। फर्स्ट डिग्री का नाम क्या है बेटा, क्या कहते हैं इसे, पॉजिटिव डिग्री जी। अब इसको कहां कहां यूज करते हैं, नंबर वन जनरल डिस्क्रिप्शन के लिए, नंबर टू नॉमिनल के तौर पे, नंबर थ्री एज प्लस एडजेक्टिव प्लस एज, या इसी का ही सो प्लस एडजेक्टिव प्लस एज, इस कॉम्बिनेशन में। और इसके आगे नीचे एग्जांपल्स दूंगा। फोर्थ क्या है, फोर्थ इसकी है, अब इसको गौर से सुनना है, व्हेन
two qualities of same person. When two qualities of same person are compared, जब एक ही शख्स की दो खूबियां मिलाई जाएं, तो हम उनसे कहते हैं क्या, हम कहते हैं वहां पे भी हम फर्स्ट डिग्री यूज करेंगे। अब जरा सारे MCQs इसके बनाते और सॉल्व करते हैं। फॉर एग्जाम्पल सेंटेंस लिखता हूं, ही इज अ बॉय, अल्फा पुअर, बीटा पुअरर, चार्ली पुअरेस्ट। हाँ जी, क्या पिक करेंगे? पुअर बॉय, जनरल डिस्क्रिप्शन है जी। दूसरे नंबर पे है द फीड द पुअर, रिच रिचर richest, answer is rich। अब ये क्या है, nominal है। next देखें, he is as blank as his brother, alpha strong, beta stronger, Charlie strongest। हाँ जी, he is as strong as his brother। as और as के बाद हमेशा हम दरमियान में हमेशा हम first degree को ही use करते हैं। next आ गया last इसका character, fourth one। for example अब एक ही बंदे की दो खूबियां हैं, Ali is more then, अब अल्फा पे ब्रेवर वाइजर, बीटा पे ब्रेव और वाइज, चार्ली पे ब्रेवर और वाइज, और डेल्टा पे ब्रेव और वाइजर। आंसर इज ब्रेव और वाइज। अली इज मोर ब्रेव देन वाइज। तो ये नौ आपके पास जो फॉर्म डिग्रीज का यूसेज है, ये उसमें पहली डिग्री की डिस्कशन ये थी कि ये पहली डिग्री के पॉइंट्स और ये फिर उससे रिलेटेड MCQs कि कहां कहां पे हम फर्स्ट डिग्री को यूज करते हैं। किसी बच्चे ने क्वेश्चन करना हो तो यू आर वेलकम, अदरवाइज द बोर्ड इज कंप्लीट। कौन सा? पहले बताना था, इधर ही बता देती। चलो फिर, इसका मतलब हम दोनों एक जैसे हैं, क्लियर? आप इसको कंप्लीट करके फिर उसको रगड़ देंगे, लेकिन याद करवाना आपका काम है बच्चे, हम भुलक्कड़ हैं, ओल्ड एज बेनिफिट दे दिया करें। ओके ला।